अब हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 10 प्रकाश। देखना बड़ा मजेदार चैप्टर है भाई, है ना। अध्याय 10 है, फिजिक्स से रिलेटेड है और फिजिक्स का ये चैप्टर जो है पहला चैप्टर है और जिसका नाम है प्रकाश। प्रकाश है ना, और प्रकाश का मतलब आपके दिमाग में कुछ कुछ चल रहा होगा कि प्रकाश मतलब क्या है। जो हम रोज देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में, जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है, बल्ब जो जल रहा वो प्रकाश उत्पन्न कर रहा, तो आज उसी प्रकाश की बात कर रहे हैं। और उस प्रकाश से रिलेटेड बहुत सारी घटनाएं होती है हमारे दैनिक जीवन में, और वो घटनाएं क्या है। हालांकि हम पिछली क्लासों में भी प्रकाश के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन फिजिक्स के दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये प्रकाश का जो चैप्टर है वो पहला चैप्टर है। इसके बाद में जैसे जैसे हम आगे की क्लासों में जाएंगे, और बल्कि कॉलेज लेवल तक भी अगर हम बात करें, तो वहां पर हमें अगली क्लासों में क्या है काफी एडवांस रूप इसका मिलेगा और वहां पर काफी इंफॉर्मेशन हमें पढ़ने को मिलेगी। तो हमें 10th क्लास में फिजिक्स का यह पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश, और इसमें पढ़ना हमें प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो मैं पहले हेडिंग डाल देता हूं, फिर हम डिस्कशन करेंगे कि ये होता क्या है, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग बनने वाला है। ठीक है, परावर्तन, परावर्तन तथा अपवर्तन, तथा अपवर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन। मेरे ख्याल से जो मैंने यहां पर लिखा है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ये शब्दों को भी हमने कई बार यूज किया है। ठीक है, बोलते ना ये परावर्तित हो गया, प्रकाश परावर्तित हो गया, इससे टकराया और वो परावर्तित हो गया। हमने एक बाल को फेंका, किसी दीवार से टकराई और वो परावर्तित हो गई या वापस आ गई। ठीक है, यही परावर्तन कहलाता है। हमने कोई प्रकाश किरण किसी कांच पर मारी और वो कांच के आर पार निकल गई, तो क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। तो इसका मतलब दूसरे शब्दों में भी हम यूज करते हैं, लेकिन यहां पर नाम से भी क्लियर है प्रकाश का परावर्तन मतलब परावर्तित हो जाना या वापस आ जाना। हम प्रकाश की बात न भी करें, हमने एक दीवार पर बाल मारी और वो क्या हो गई, वापस आ गई, तो क्या हो गई, परावर्तित हो गई। अगर मान लिया जाए कि कोई पतला सा पेपर है, कागज का पेपर है या बिल्कुल एकदम कमजोर सा पेपर है, और हमने एक बाल ली और तेजी से मारी और उस कागज को फाड़ के बाहर निकल गई, तो क्या हो गई, वो बाल क्या हो गए, उससे आर पार निकल गई, मतलब अपवर्तित हो गई। ठीक है, तो यहां पर कागज की बात ना करें क्योंकि प्रकाश से रिलेटेड है, तो प्रकाश की प्रकृति के आधार पर हमें परावर्तन और अपवर्तन पढ़ना होगा। तो देखेंगे हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे लाइट। चैप्टर का नाम, लाइट का नाम बहुत ज्यादा सुनने में आता है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, और एंड रिफ्रेक्शन, रिफ्रेक्शन। ठीक है, तो इंग्लिश में परावर्तन को रिफ्लेक्शन बोलेंगे और अपवर्तन को जो बोला जाएगा वो रिफ्लेक्शन बोला जाएगा। ठीक है, तो रिफ्रेक्शन क्या होता है इसके बारे में हमें यहां समझना है। पहली बात तो यहां पर एक शॉर्ट में हम समझ ले अध्याय का जो सारांश है वो सारांश क्या है। प्रकाश की एक प्रकृति होती है जो कि हम डेली देखते हैं। क्या प्रकृति होती है, ये क्या होता है, किसी चमकीली वस्तु से टकराता है तो क्या करता है, प्रकाश वापस आ जाता है। आता है ना, चमकीली वस्तु मतलब जैसे बोल दिया जाए कि जो दर्पण है, दर्पण पर अगर हम टॉर्च मारे तो क्या होगा, ये परावर्तित हो जाएगा। कोई अगर कांच है, कांच पर अगर हम टॉर्च मारे तो कांच क्या करेगा, प्रकाश को आर पार जाने देगा। बल्कि टॉर्च के सामने कांच भी लगा होता है ना, एक सिंपल कांच लगा होता है, तो ये क्या करता है, जो बल्ब जलता है, बल्ब जलने के बाद में कांच में से वो क्या हो जाता है, आर पार चला जाता है और सामने की ओर पहुंच जाता है। इसका मतलब टॉर्च जो है, टॉर्च में क्या हो रहा, अपवर्तन हो रहा, क्योंकि कांच के आर पार वो जा रहा है। इस अध्याय के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है इसके बारे में हम समझते। देखना मेरे पास में अभी टॉर्च तो नहीं है, ये मोबाइल है, मोबाइल का ही मैं यहाँ पर टॉर्च यूज कर रहा हूं। देखना, ठीक है, यहां पर मैंने टॉर्च जलाया मोबाइल का, आपको दिख भी रहा होगा ये टॉर्च है, जल रहा है। अब मेरे पास में यहां पर कुछ दर्पण रखे हुए, कुछ लेंस रखे हुए, जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। हम प्रयोग के द्वारा भी हम समझेंगे हर बात को कि किस प्रकार से जो भी प्रकाश की प्रकृति है, और प्रकाश की प्रकृति को हम प्रयोग द्वारा यहां पर समझने वाले। देखना, एक समतल दर्पण है जिसमें हम अपना चेहरा रोज देखते हैं। ठीक है, तो एक समतल दर्पण दिखाई दे रहा है, यहां पर एक पॉलिश है, और कैसे है वो उसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। समतल दर्पण पर मैं क्या कर रहा हूं, टॉर्च मार रहा हूं। देखिए, आपकी ओर प्रकाश आती हुई नजर आ रहा, चमक रहा, चमक रहा ना। मैंने क्या किया, टॉर्च किधर है, अगर मैं इसको हटा दूं तो टॉर्च किधर जा रहा, प्रकाश इधर जा रहा, और बीच में अगर दर्पण आ गया,
ये समतल दर्पण है, तो दर्पण क्या कर रहा है, इस प्रकाश को परावर्तित कर रहा है, इधर आगे नहीं जाने दे रहा उसको इधर की ओर। अगर मैं बड़ा सा दर्पण लगा दू पूरा का पूरा प्रकाश वापस परावर्तित कर देगा। इसके बाद में ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण का जो समतल क्यों बोल रहा हूं मैं, ये समतल है, पृष्ठ जो है ना इसका एकदम बिल्कुल समतल है, ठीक है, प्लेन है। इसके बाद में मेरे पास में दूसरा दर्पण है जो हमें चैप्टर में पढ़ना है और इनके बारे में हमें पढ़ना ही पड़ेगा। देखना एक दर्पण है, इसको मैं इसके होल्डर में लगा रहा हूं। इस दर्पण की खासियत क्या है, देखना ये जो दर्पण है ना अंदर से दबा हुआ है, अवतल है, मतलब अवतल ही तो बोलते ना, बीच में से अगर मतलब इस प्रकार से कटोरे टाइप का, कटोरे टाइप का तो उसको अवतल ही तो बोलते, कटोरा क्या होता है, अवतल होता है, अंदर से दबा होता है जिसमें हम कुछ भी डाल के रख सकते हैं, सामान रख सकते हैं या सब्जी वगैरह डाल के हम खाना वाना खाते हैं, तो वो क्या ये अवतल है, मतलब यहाँ पर क्या है दबा हुआ है। इसको मैं इस होल्डर में ही रख रहा हूं तो ज्यादा सही रहेगा। इस पर भी मैं प्रकाश डाल रहा हूं, देखिए आपको दिख रहा होगा कि इसने भी क्या किया, प्रकाश को परावर्तित कर दिया, ठीक है। इनकी प्रकृति अलग अलग, किस प्रकार से परावर्तित करता है प्रकृति थोड़ी सी अलग है, लेकिन इसके बारे में हम फिर और डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है, हमें पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है, ठीक है। अच्छा इसके बाद में एक उत्तल दर्पण है, देखिए मैं सारे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ये उत्तल दर्पण है, मतलब उत्तल क्या किसको बोला जाता है, उठा हुआ, उत्तल मतलब उठा हुआ, तो ये उत्तल दर्पण है, ये बीच में से उठा हुआ है इस प्रकार से, कैसे बना उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अब यहां पर इस पर भी मैं टॉर्च से मार रहा हूं तो इसने भी क्या किया, प्रकाश को परावर्तित कर दिया। देखिए आपको चमकते हुए नजर आ रहा है, अब चमक नहीं रहा है ना, अब चमक रहा क्या, अगर टॉर्च से मारूंगा तो चमक रहा है, इसका मतलब इसने क्या किया, प्रकाश को परावर्तित कर दिया। इसके बाद ये सारी बातें हमें इस चैप्टर में पूरा डिटेल में समझना है और पूरे चैप्टर में यही मिलेगा आपको। मेरे पास में एक कांच का स्लेब है, स्लेब मतलब सिंपल सी बात है, मोटा मोटे कांच का गत्ता है एक, ठीक है, काफी मोटा कांच है और एक स्लेब बोला जाता है इसको, ग्लास स्लेब बोला जाता है या कांच का स्लेब बोला जाएगा, गत्ता है, सीधी सी बात है। ये क्या होना चाहिए, कांच कैसा होता है, पारदर्शी होता है। मैं अगर इस पर प्रकाश डालू, देखिए प्रकाश डालू तो आपको बोर्ड के ऊपर पूरा का पूरा कांच का स्लेब दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ना, देखिए बोर्ड के ऊपर पूरा कांच का स्लेब दिखाई दे रहा, तो मैं इस पर जो प्रकाश डाल रहा हूं इसलिए परावर्तित न करके क्या किया, अपवर्तित कर दिया, प्रकाश पूरा का पूरा इधर आ गया, तो यही है अपवर्तन, ठीक है। अच्छा इसके बाद में ये समतल है, ये वाला कांच का जो स्लेब है वो समतल है, दोनों पृष्ठ कैसे इसके समतल है। इसके बाद में मेरे पास में और एक ग्लास है, लेकिन एक ग्लास समतल नहीं है, कैसा है, बीच में से उठा हुआ है, सॉरी ये वाला क्या है, अंदर से दबा हुआ है, इधर से भी दबा हुआ है और अंदर से भी दबा हुआ है, कहने का मतलब अंदर की ओर इस प्रकार से एक कांच बना हुआ है, देखिए इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक, इधर से भी इस, ये भी प्रश्न अंदर से दबा है और ये भी प्रश्न क्या है, अंदर से दबा हुआ है। इस पर मैं टॉर्च मार रहा हूं, देखिए इसने भी क्या किया, आर पर प्रकाश को जाने दिया, ठीक है, ठीक। इसकी प्रकृति थोड़ी सी अलग है, वो हम उसके बारे में हम बाद में समझेंगे। ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, देखिए तो बहुत मजेदार काम हो गया, ये देखिए कितना ज्यादा प्रकाश ये यहां पर जा रहा, मैं इसको थोड़ा सा दूर कर रहा हूं तो ये बिंब भी दिख रहा होगा आपको, एक छोटा सा बिंब यहाँ पर प्रतीत हो रहा है, देखिए ऐसे भी दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, वो दिख रहा है छोटा सा बिंब, जैसे जैसे पास में ला रहा हूं तो ये इस प्रकार से हो रहा, और ये जैसे जैसे दूर ले जा रहा हूं वो प्रतिबिंब क्या बड़ा तेज हो रहा, देखिए बहुत तेज प्रतिबिंब है, बहुत ज्यादा तेजी से चमक रहा है ये, देखिए अब तो बहुत ही तेजी से चमक रहा, और पास में अगर करूंगा मैं, अगर लाइट को बंद कर दू और अच्छे से दिखेगा ये, ठीक है। यहां पर देखना अभी ये दिख रहा, अभी यहां पर देखना जैसे जैसे मैं टॉर्च को दूर ले जा रहा हूं ये देखिए बहुत तेज चमक रहा है। मैं इतना इसलिए बता रहा हूं इसके बारे में क्योंकि हमें इस चैप्टर में बहुत इसी के बारे में पढ़ना है, सारी बातें यही समझना है। इसको अगर मैं दिखाऊं तो ये कांच को क्या है आर पार किया, इसके आसपास भी कुछ लाइट दिखाई दे रहा, ये वास्तव में कांच की प्रकृति है अलग अलग ग्लास की, तो उसके बारे में भी हम समझेंगे कि क्या है, और 11-12 में भी काफी चाहिए इसके बारे में, और इसके एक कांच का स्लेब है तो इसने क्या किया आर पार इसको जाने दिया इस प्रकार से यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो हमने अभी डिस्कशन किया इस आधार पर बहुत कुछ हमें परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पता चल गया, चला गया नहीं पता, परावर्तन मतलब प्रकाश को परावर्तित कर देना।
देना, अपवर्तन मतलब प्रकाश को अपवर्तन कर देना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो क्वेश्चन भी हमारे दिमाग में आता है कि कोई भी वस्तु हमें क्यों दिखाई देती है, किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें आंख की आवश्यकता होती है, स्वस्थ आंख की, स्वस्थ आंख की आवश्यकता होती है। स्वस्थ आंख से मतलब मेरा यह है कि कोई अगर दृष्टिहीन है जिसको दिखाई नहीं देता उसका, इसका मतलब उसकी आंख क्या स्वस्थ नहीं है, इसलिए वो किसी वस्तु को नहीं देख पाता है ना। तो दृष्टिहीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो देख सकता है किसी वस्तु को, तो उसको काय की आवश्यकता होती है, आंख की आवश्यकता होती है। और मजेदार बात बता दूं कि इसके अलावा भी और एक चीज की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगर मैं किसी को बोलूं कि कोई भी वस्तु क्यों दिखाई देती है जनरल, तो कोई भी बोलेगा भैया जिसकी आंखें होगी उसको दिखेगा, जिसकी आंखें नहीं होगी उसको नहीं दिखेगा। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, वास्तविकता यह है कि जब तक ये दोनों चीजें नहीं रहेगी, आंख और प्रकाश, तब तक हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। अब एक बहुत बढ़िया एक एग्जांपल की बात कर रहे हैं, देखना थोड़ा सा टाइम लगेगा है ना, हमें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, लेकिन जब तक बेसिक पूरी बातें क्लियर नहीं रहेगी तब तक उसको पढ़ने में मजा नहीं आएगा है ना। कई बच्चे क्या है परावर्तन की परिभाषा रखते रहते, परावर्तन इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है, अपवर्तन इसको बोला जाता है, ये होता है वो होता है, वो सारी चीजें रटने वाली बातें हैं। रटने की अपेक्षा हमें प्रॉपर समझना पड़ेगा तब तो इस चैप्टर में मजा आएगा, ठीक है ना। और वैसे भी टेंथ क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर है ये, है ना, और टेंथ क्लास का फिजिक्स इतना महत्वपूर्ण है कि अगर टेंथ क्लास का फिजिक्स अच्छे से नहीं पढ़ा, नाइन्थ क्लास का तो खैर अब टाइम पास हो गया अपना, लेकिन नाइन्थ क्लास और टेंथ क्लास का फिजिक्स इतना इंपॉर्टेंट है कि जब तक ये नहीं पढ़ेंगे तब तक इलेवंथ क्लास ट्वेल्थ क्लास का फिजिक्स समझ में नहीं आएगा, अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पूरा बेसिक लेवल से हमें इसको समझना होगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा, टाइम लगेगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सारी बातें समझेंगे हम, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये यहाँ पर हम यहाँ पर आपके साथ में कमिटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉपर तरीके से आपको समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा कहने का मतलब। अभी एक एग्जाम्पल समझते हैं हम यहाँ पर, देखना एक बंद कमरा है, ठीक है, यहाँ पर क्या है एक बंद कमरा है और दूसरा एक बंद कमरा है, ये दो बंद कमरे हैं, ठीक है, दोनों के बीच में तीन चार अंतर भी है, डिस्टेंस भी है दोनों, इसमें क्या है एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, बैठा है या खड़ा है जैसा भी है, और इसमें क्या है कोई एक वस्तु रखी हुई है, ठीक है, ये क्या है वस्तु यहां पर एक रखी हुई है। मान लिया जाए कि यहां पर कोई वस्तु, इस प्रकार से मोबाइल का ज्यादा कल्चर है इसलिए मोबाइल रखा हुआ है यहां पर, हम यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये व्यक्ति जो है ये बंद कमरे में है, यहां पर भी बंद कमरे में, लेकिन दोनों के बीच में क्या है कांच की दीवार है, काय की दीवार है, कांच की दीवार है, समतल कांच लगा है, प्लेन ग्लास लगा हुआ है जो कि हम खिड़की वगैरह में लगाते हैं जिससे आर पार दिखाई देता है। अब यहां पर अंधेरा है, अंधेरा, और यहां पर भी अंधेरा है, क्या ये व्यक्ति इसको देख पाएगा, मोबाइल को देख पाएगा इस कमरे में जो मोबाइल है, जबकि इसकी आंखें स्वस्थ है, देख पाएगा? और मेरे ख्याल से सबका आंसर ये होगा कि नहीं देख पाएगा, क्यों, उसको और आगे देखते। अब यदि मान लिया जाए कि यहां पर क्या है प्रकाश है, यहां पर क्या है प्रकाश है, और यहां पर क्या है अंधेरा ही है, अब बताइए ये व्यक्ति इस वस्तु को देख पाएगा? और मेरे ख्याल से यहां पर इस रूम में अगर प्रकाश भी है तो इस वस्तु को ये नहीं देख पाएगा। और अब यहां पर अगर मान लिया जाए यहां अंधेरा है, अंधेरा है, और यहां पर क्या है प्रकाश है, अब ये व्यक्ति यहां पर अंधेरे में बैठा हुआ है और ये प्रकाश है यहां पर, अब देख पाएगा वस्तु को? देखना बहुत सारी चीजों के अभी यहां पर आंसर मिलने वाले हैं, तो अभी मेरे ख्याल से वस्तु को ये देख पाएगा। अब यदि मान लिया जाए यहां पर प्रकाश है और यहां पर भी प्रकाश है तो अब वस्तु को देख पाएगा? तो बिल्कुल देख पाएगा। तो हमारे पास में यहां पर चार स्थिति है, दोनों जगह जब अंधेरा था तो यह वस्तु को नहीं देख पा रहा था, ये प्रकाश में बैठा था लेकिन वस्तु जो अंधेरे में थी फिर भी वस्तु को नहीं देख पा रहा था, ये अंधेरे में बैठा था लेकिन यहां पर वस्तु के पास में प्रकाश था ये वस्तु को बड़े आसानी से देख पा रहा था, दोनों जगह प्रकाश है फिर भी वस्तु को सेम प्रकाश है तो ये वस्तु को फिर से देख पा रहा है।
इसका मतलब दो स्थितियों में वो देख पाएगा, दो स्थितियों में वो नहीं देख पाएगा। तो वास्तव में ऐसा क्यों होता है? तो सिंपल सी बात है, जो वस्तु है ना वो काय में होना चाहिए, प्रकाश में होना चाहिए। सिंपल सी बात, यहां पर इतनी देख बात समझने के बाद में यहां पर हमें समझ में आ रही है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये वस्तु को वास्तव में देख क्यों रहा और प्रकाश की क्यों हो सकता है? इसका सिंपल तरीके से अगर कारण समझे हम, तो क्या होता है कि प्रकाश किरणें इस वस्तु के ऊपर पड़ती है, इस प्रकार से प्रकाश किरणें क्या करती है, इस वस्तु के ऊपर आती है। कहीं से भी आए प्रकाश किरणें, इधर से आए या इधर से आए, प्रकाश किरणें क्या हो रही है, इस वस्तु के ऊपर आ रही है। और इस वस्तु से प्रकाश क्या हो रहा, परावर्तित हो रहा। प्रकाश इससे क्या हो रहा, प्रकाश परावर्तित हो रहा। अब परावर्तित होने के बाद में यह जो प्रकाश है, परावर्तन के पश्चात क्या हो रहा, इस वस्तु के, इस व्यक्ति के आंखों पर आ रहा। और जब परावर्तित होकर प्रकाश इसके आंखों पर आएगा तब वस्तु दिखेगी। तो यही परावर्तन का यहां पर संबंध है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कोई वस्तु हमें तभी दिखाई देगी, मान लिया जाए यहां पर एक बड़ा सा पेड़ है और ये पेड़ और हमारी आंख यहां पर है, तो जब तक प्रकाश किरणें इस पेड़ पर पड़ेगी और प्रकाश किरणें इस पेड़ से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर आएगी तभी ये पेड़ दिखाई देगा, अदरवाइज पेड़ दिखाई नहीं देगा। तो सिंपल सी बात यहां पर समझ में आ रही, जब तक वस्तु के ऊपर प्रकाश नहीं आएगा, यानी कि प्रकाश वस्तु के ऊपर होना आवश्यक है, इसके आंखों के ऊपर प्रकाश होना आवश्यक नहीं है। प्रकाश इस वस्तु के ऊपर आएगा और इससे परावर्तित होकर इसकी आंखों पर पड़ेगा तो यह वस्तु क्या होगी, दिखाई देगी। तो यही बातों को हमें है, प्राकृतिक तो सूर्य ही है, ठीक है ना। तो सूर्य द्वारा हमें प्राकृतिक रूप से प्रकाश प्राप्त होता है। मानव निर्मित हम बोल सकते हैं बल्ब, विद्युत बल्ब बोल सकते हैं, ठीक है, टॉर्च बोल सकते हैं, टॉर्च जो बैटरी द्वारा टॉर्च चलता है, तो टॉर्च द्वारा हम प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती द्वारा हम प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं, दिया है, दिए द्वारा, लैंप है, तो इस प्रकार से हम प्रकाश को प्राप्त